गुड मॉर्निंग गाइस। कॉन्टिनेंट की सीरीज़ में यूरोप देखते हैं, इसके मेन की पॉइंट हैं वो ही देखते हैं और थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। और आप मैप में देखेंगे तो और भी अच्छे से आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो मैप मैंने लगा दिया है, बाकी आप खुद से भी एटलस से पढ़ें तो और भी अच्छा है। लेटीट्यूड कितने लेटीट्यूड पे है? 35 नॉर्थ डिग्री और नॉर्थ और 73 डिग्री नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड 25 डिग्री वेस्ट एंड 65 डिग्री ईस्ट। और ये चीज़ ठीक है। एरिया एरिया टोटल है 7.1% ऑफ टोटल जो लैंड एरिया है अर्थ पे। और ये स्क्वायर मीटर में हाईएस्ट पॉइंट माउंट एल्ब्रूस, जो माउंट एल्ब्रूस है वो हाईएस्ट पॉइंट है यूरोप का जो चोटी है। और जो पर्वत है माउंटेन है 5642 मीटर। लोवेस्ट पॉइंट कैस्पियन सी -28.0 मीटर। सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, और फर्स्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ओके। द प्राइम मेरिडियन पास थ्रू लंदन, जो प्राइम मेरिडियन है वो लंदन से पास करती है। बाउंड्रीज ऑफ यूरोप कौन सी हैं, क्या हैं? देखो टू ईस्ट में, जब आप ईस्ट में जाएंगे यूरोप के तो कौन सी बाउंड्री पड़ती है भैया? इट टू ईस्ट इट सेपरेट फ्रॉम एशिया बाय द यूराल माउंटेन। ठीक है। और कैस्पियन सी एंड क्यूसेस माउंटेन एंड ब्लैक सी। ब्लैक सी भी आप देखोगे जो आई थिंक यूक्रेन के पास में है, यूक्रेन लगती है, और तुर्की और यूक्रेन तुर्की के साथ में जो ब्लैक सी है वहाँ पे। ठीक है ओके। और एशिया में तो हाँ एशिया में पड़ता है तुर्की। उसके बाद साउथ में मेडिटेरियन सी है, वेस्ट में आप देखोगे तो स्ट्रेट ऑफ गिब्रेल्टर सेपरेटिंग यूरोप एंड अफ्रीका। ठीक है जी। ओशंस एंड सी देखते हैं कौन से पड़ते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट में। अटलांटिक ओशन टच करता है, ब्लैक सी टच करता है, वाइट सी टच करता है, रेटिक ओशन टच करता है, मेडिटेरियन सी टच करता है, नॉर्थ सी ओके, कैस्पियन सी है, देख रहे हो आप स्क्रीन पे, गल्फ ऑफ बोथानिया, बे ऑफ बिस्के, इरिस सी और कैलिटिक। ये नाम जो कंट्री जो नियर पड़ती है वो अपना डाल देती है। और कैलिटिक सी ठीक है ओके। उसके बाद है बैल्टिक सी और नॉर्वेगन सी, गल्फ ऑफ फिनलैंड, एग्नियन सी एंड एड्रेटिक सी। उसके बाद इसमें बोला गया स्ट्रेट्स, देखते हैं कौन कौन सी जो मेन स्ट्रीट्स, स्ट्रीट नहीं स्ट्रेट्स, स्ट्रेट ऑफ गैलिब्रेटर, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो और स्ट्रेट ऑफ मिसनिया, स्ट्रेट ऑफ क्रिच। लेक्स कौन सी हैं? तो जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं आप वो देखो एक बार, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपको, लेडोगा लेक, ओनीगा लेक, पीप्यूस लेक, वनरिन लेक और वेटरन लेक। ठीक है। और अब देखते हैं आइसलैंड, ब्रिटिश एल्स एस इसको क्या बोल देंगे, इसलेस और आइसलैंड। और उसके बाद है सर्डिनिया, सिसली एंड क्रिएट। ये आइसलैंड है, आप छोटे छोटे जो आपको दिख जाएंगे मैप में आराम से। उसके बाद ग्रीनलैंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड बिलोंग सॉरी ग्रीनलैंड द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसलैंड बिलोंग द डेनमार्क बिलोंग टू डेनमार्क। व्हीट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ यूरोप। रूर इज इन द जर्मनी इज द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट कोल फील्ड ऑफ यूरोप। ठीक है। अदर कोल फील्ड सार और जो यूरोप के हैं सार एंड सेक्सनी। इम्पोर्टेंट गल्फ एंड बे, गल्फ ऑफ बोटानिया बोथानिया स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में टच करते हैं। इंग्लिश कैनाल ब्रिटेन एंड फ्रांस, गल्फ ऑफ लॉयन साउथ ऑफ फ्रांस एंड बे ऑफ बिस्के फ्रांस एंड स्पेन।
उसके बाद माउंटेन कौन से हैं मेन इंपॉर्टेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, एक तो यूराल माउंटेन तो मेन है जो अलग करता है एशिया और यूरोप को, फिर पिंडास माउंटेन है, कर्पिस ये कार पाथिन पाथेन माउंटेन है, विश्यूविस माउंटेन है, स्पर्मिनशन थोड़ी ऊपर नीचे कर लेना भाई रेंज, ओके एपनियंस माउंटेन है, वोसगेज माउंटेन है, ये एल्प्स माउंटेन है, माउंट इटाना है, ओके डेनरिक एल्प्स और क्या ये कजलोन और सीरिया एंड ब्लैक फॉरेस्ट माउंट स्ट्रॉम्बली पिनिन एंड मोरिना सीरिया माउंटेन, ये माउंटेन्स हैं, ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है यूराल माउंटेन जो यूरोप और एशिया को अलग अलग करता है, एक ये माउंटेन के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है एल्प्स माउंटेन के बारे में। उसके बाद रिवर पो रिवर, टिबर रिवर, रिहेन रिवर, एब्रो रिवर, गैरोन रिवर और लोरी रिवर, उसके बाद सीनी रिवर, विस्सर रिवर, एल्बी रिवर, विस्ता रिवर, ओनिगा रिवर, दीवाना रिवर, दीवाना नॉट दीवाना दिवना, मेजिन रिवर, वोल्गा रिवर, डॉन रिवर, डिनीपर रिवर, रिहेनी रिवर, ये सेम आ गए इसको जोड़ दो ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ यूरोप, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट हाँ जो सेपरेट करते हैं यूरोप और अफ्रीका को, ये मैंने वैसे तो उसमें आ गई थी बट मैंने ये ऐड कर दिया है तो देख लेते हैं। स्ट्रेट ऑफ जो गिब्राल्टर है नोन एज द की ऑफ मेडिटेरियन, ये सेपरेट करती है यूरोप और अफ्रीका को, कनेक्ट किससे होती है, कनेक्ट किससे, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन से। उसके बाद आती है बोनिफिस्को जो स्ट्रेट है, ये सेपरेट करती है सार्डिनिया आइसलैंड इटली में, इटली से जो बिलोंग करता है, और कोरिश्किया फ्रांस से, और ये कनेक्ट करती है तिरेनियन सी विद मेडिटेरियन सी। स्ट्रेट ऑफ मिसिना सिलिसी एंड पेनिसुलर इटली, ये जो सेपरेट करती है इन दोनों को, मैप में आराम से देखोगे तो मज़ा आएगा देखने में पढ़ने में भी, तिरेनियन सी विद मेडिटेरियन सी। स्ट्रेट ऑफ ओरेंटिनो पेनिशुला, ये ओरेंटिनो ये किससे सेपरेट करती है, इटली और बाल्कन को, पेनिशुला बाल्कन पेनिशुला को, आप देखो एक बार मैप में। एड्रिटिक सी विद ल्यूनियन सी, ठीक है कनेक्ट करती है। फिर है बोस्पोर्स स्ट्रेट, इस्तानबुल एंड एंटा एंटोलिया पेनिशुला जो तुर्की में है उसको ये सेपरेट करती है। ब्लैक सी विद सी ऑफ मारमारा, स्टेट ऑफ कर्च, ये कर्च यूक्रेन और रशिया को सेपरेट करती है। सी ऑफ अजोव विद ब्लैक सी, ओके जो कनेक्ट करती है। उसके बाद है भैया डंजिलस स्ट्रेट, ये बाल्कन पेनिशुला एंड एटोनोलिया पेनिशुला को सेपरेट करती है। सी ऑफ मारामारा विद एगन सी को कनेक्ट करती है, ठीक है। पता नहीं वीडियो बनी या नहीं बट देख लो। उसके बाद इंपॉर्टेंट गल्फ ऑफ बे नेम, गल्फ ऑफ रीगा, ये सेपरेट करता है इस्टोनिया एंड लेटविया को, और पार्ट ऑफ सी कौन सा है ओशन का, बाल्टिक सी का। गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड और इस्टोनिया को एक अलग करता है, बाल्टिक सी का जो पार्ट है। गल्फ ऑफ बोथानिया स्वीडन एंड फिनलैंड को अलग करते हैं, बाल्टिक सी का कि ये जो गल्फ है ये पार्ट है। इंग्लिश कैनाल ब्रिटेन एंड स्पेन को अलग करते हैं, अटलांटिक ओशन से ये बिलोंग करती हैं पार्ट है। बे ऑफ बिस्के फ्रांस एंड स्पेन को ये अलग करती हैं, अटलांटिक ओशन का ये पार्ट है। गल्फ ऑफ लोइन लाइज टू द साउथ ऑफ फ्रांस, ठीक है मेडिटेरियन सी से ये पार्ट ऑफ सी है मेडिटेरियन सी का। उसके बाद जो इसका क्या ये कोपेनहेगन कैपिटल ऑफ डेनमार्क इज नोन एज द की ऑफ बाल्टिक, फिनलैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ फॉरेस्ट एंड लेक। तो ये था यूरोप कॉन्टिनेंट, आप एक बार मैप में देखो अच्छे से आपको पता चलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे गाइज़।